एक्सपर्टियों साहब ने बताया, आप लोगों को बताया कि सड़क दुर्घटना हमारे जीवन में कैसे एक अनायास रूप से, अभिन्न रूप से जुड़ चुका है, और सड़क सुरक्षा के आयाम, सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाना हमारे आपके लिए कितना अब जरूरी हो चुका है। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे बच्चे हो, क्लास में जब पढ़ते हो तो हर बच्चे के माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, विद्यालय की इच्छा होती है कि हम जनपद में फर्स्ट आएँ और आगे जाएँ, तो अगर राज्यवाद प्रतियोगिता हो रही है तो ये होता है कि हमारा स्टेट फर्स्ट आए, और देश में अगर हमारे देश का कोई बच्चा बाहर कहीं प्रतिनिधित्व कर रहा हो या कोई कॉम्पिटिशन हो या कोई खेल हो तो लगता है कि हमारा देश फर्स्ट आए। लेकिन नियति ऐसी है, हम जहाँ पे रह रहे हैं नियत ऐसी है कि कुछ जगह फर्स्ट आना अच्छा होता है लेकिन कुछ जगह फर्स्ट आना अच्छा नहीं भी होता। मैं आप लोगों को समझा ये बातें इसलिए रहा हूँ कि अगर हम सड़क सुरक्षा की बात करें तो पहले सड़क दुर्घटना को जान जरूर लें। हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग, सरकारी जो आंकड़े कहते हैं 1.5 लाख लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना के कारण होती है, और यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जन हानि अगर कहीं हो रही है तो भारत में हो रही है। एक गलत चीज़ में हम नंबर एक हैं। इसके पीछे जब देखा गया कि सड़क दुर्घटना के बाद जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में घायलों की संख्या लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा है, 4 से 5 लाख से ज़्यादा है। इसका मतलब बीमारी बड़ी है। अभी कोविड की बीमारी आई थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, सारी चीज़ें कर दी गई थी, उतने लोगों का नुकसान उस बीमारी में भी नहीं हुआ जितना हर साल हम रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने लोगों की जान गंवा रहे हैं। और अगर देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो 3% GDP का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। इसका मतलब बीमारी गंभीर है। अब समस्या यह है कि अगर हम इस पहलू पे आए कि सड़क दुर्घटना को रोका कैसे जाए, इसके उपाय पर आए, तो जब हम सड़क दुर्घटना के रोकने की अगर बात करें, बच्चे भी जानते हैं, सामान्यतः हमारी धारणा है जब इस विभाग में हम नहीं आए थे तो हमको भी लगता था रोकने की जिम्मेदारी या तो पुलिस विभाग की है, या तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, या तो RTO की है। जनपद में RTO विभाग के हम 2 अफसर हैं, हमारे साथ 1-2 सिपाही हैं, 10-5 ट्रैफिक वाले हैं। पूरे जनपद में बहुत बड़ी आबादी है सड़क पर वायलेशन करने वाले, नियमों को तोड़ने वाले। हर घर से लोग वायलेशन करने के लिए निकल रहे हैं, हर घर से। हमारे घर की सराहत जहाँ समाप्त होती है, जैसे हम सड़क पर आते हैं वहीं सड़क के रूल शुरू हो जाते हैं। सड़क के रूल शुरू होने का मतलब है कि गाड़ी में चाबी लगाने के पहले हमको हेलमेट लगा लेना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने जेब में लाइसेंस रख लेना चाहिए, फिर एक बार ये सोच लेना चाहिए हमारी एज है कि नहीं, पीछे बैठ रहे हो तो पीछे वाले को भी हेलमेट लगा लेनी चाहिए, गाड़ी कंट्रोल्ड स्पीड से चलानी चाहिए। सारे के सारे बहुत सारे जो रूल्स हैं जब हम उनको फॉलो करें तब हमको सड़क पर निकलना चाहिए। तो स्थिति एक अनार और 100 बीमार किस लिए है कि लगभग हर व्यक्ति सड़क पर गाहे बगाहे इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उसका परिणाम क्या होता है, लापरवाही और जल्दबाजी के इसी परिणाम का जो प्रभाव हमको दिख रहा है कि हमारा देश रोड एक्सीडेंट की संख्या में और उससे होने वाले हताहतों में भी नंबर एक है। हम लोग कई स्कूलों में चर्चा करते हैं तो ये बात प्रायः हम लोग कहते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जाए। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये नहीं जानता कि हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए? अभी नए नए एज के बच्चे हैं, आप में भी कक्षा 8 के बहुत सारे बच्चे होंगे जो गाड़ी चलाना जानने लगे हैं, अगर अपने पापा को गाड़ी का मौका पा जाएंगे तो चाबी लेके सड़क पर निकल जाएंगे। अंडर एज बच्चों के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माना है, पता लगा जितने की मोटरसाइकिल नहीं उससे ज़्यादा का जुर्माना है, लेकिन लोग मानने और समझने को तैयार नहीं, इसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये इतनी बड़ी जरूरत है कि आज सरकार ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, जैसा कि हमारे RTO साहब ने बताया कि सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सिर्फ RTO और परिवहन विभाग की नहीं है, हर स्कूल की है, हर माता पिता की है, हर शिक्षक की है, हर मीडिया मैन की है,
हर व्यक्ति की है। माने हर व्यक्ति जब तक सड़क पर नहीं चेतेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता, ये थोड़ी कि 1.5 लाख लोगों में हम नहीं है, अगला कौन होगा ये कोई नहीं जानता। तो हमें इस मुहिम की शुरुआत करनी है, और हम लोगों को, हम नियमों पे आप लोगों से बात करने नहीं आए हैं। मैं बता रहा हूँ, जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 80-85% दुर्घटनाएं सिर्फ और सिर्फ मानवीय भूल का परिणाम है। ओवर स्पीड गाड़ी चलती है कि हम चलाते हैं, हेलमेट हम ना लगाना हमारी आदत है कि हेलमेट खुद नहीं हमारे सिर में लगना चाहता, सीट बेल्ट हम नहीं लगाते, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर हम बात करते हैं, अभी RTO साहब ने बताया कि ड्रिंकिंग ड्राइविंग हम ही करते हैं, रिफ्लेक्टर अपनी गाड़ी में हम नहीं लगाते हैं, हम लोग अगर कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े प्रेस करके बढ़िया वेल अपडेट करके तब आना चाहते हैं स्कूल में, तो गाड़ी पे भी सुंदर रिफ्लेक्टर लगा होना चाहिए जो दूर से ही दिखाई पड़े, गाड़ी नियंत्रित गति से चलनी चाहिए। हम इसीलिए आज आप लोगों से नियमों की बात नहीं करेंगे, उस 80-85% दुर्घटना को सिर्फ हम और आप अपनी लापरवाही रोक करके दूर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे फर्स्ट आने की बात है ना, क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जनपद, ये जनपद विशेष है, विशेष क्यों है कि यहां पे स्कूलों में 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही हुई है, जिसमें स्कूल के ऊपर कार्यवाही हुई, ड्राइवर्स के ऊपर कार्यवाही हुई। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर परिवहन विभाग के सारे 75 जिलों के अधिकारियों पर कार्यवाही कर दी जाए तो शायद रोड एक्सीडेंट रुक जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन क्या उससे रुक सकता है? हमको अगर फर्स्ट आना है तो मैं हर विद्यालय में जाता हूँ, एक बात जरूर कहता हूँ कि किसी विद्यालय के स्तर से पहल हो जाए कि कोई ऐसा विद्यालय हो जहाँ छात्र से लेकर के उसके मैनेजमेंट तक हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा के रूल्स को फॉलो करे, और बड़े उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, बड़े आसानी से शुरू हो सकता है, बहुत आसानी से शुरू हो सकता है। हमको सिर्फ पहल करने की जरूरत है, इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों के पेरेंट्स ने आप लोगों को एक बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवाया है, CBSE पैटर्न स्कूल पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अच्छी ड्रेस दी जाती है, आप लोगों के लिए अच्छी फीस जमा की जाती है, आप लोगों के लिए अच्छी किताबें हैं, अच्छे टीचर्स हैं। आप लोग एक चीज ये बताइए ईमानदारी से, आप लोगों के घर में ही बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो विदाउट हेलमेट घर से मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं या 4-व्हीलर चलाते हैं तो विदाउट सीट बेल्ट चलाते हैं, और आप लोगों को भी कई बार बैठा करके मार्केट में आउटिंग या कहीं रिलेशन में लिवा गए होंगे। पता है कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, बच्चे हाथ उठाए, ईमानदारी से उठाइएगा, ये बड़ी चीज है। माने हम गलती को स्वीकार करेंगे तो हम उसको सुधार लेंगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से सुधरवाऊंगा भी इस चीज को, अभी भी कम है। मैं बता दूं, एक स्कूल में मैंने सर्वे करवाया था, पहले बच्चे नहीं उठा रहे थे, बच्चों को मैंने मोटिवेट किया तो बाद में 70-75% बच्चों ने यह स्वीकार किया कि नहीं, उनके पेरेंट्स रोड सेफ्टी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये आलम है, जान लीजिए। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जब उनको हम कई बार मार्केट में पकड़ लेते हैं कहते हैं सर मैं तो मार्केट आया था, अपने मार्केट में भी हेलमेट लगाना जरूरी है। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए हम क्या कहें, सड़क सुरक्षा के रूल्स वहीं से शुरू होते हैं जहां हम घर से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, कैसे हम बदल सकते हैं, हमने स्कूल के लिए भी हमारे पास ये चुनौती है, चांस है बदलने का। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि सारे जितने बच्चे हैं अपने घर पर जब जाइएगा पहले ये देखिएगा कि आपके पेरेंट्स हेलमेट खरीदे हैं कि नहीं, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं, पहले ये देखिएगा, और ना हो तो अब आगे से उनसे न किताब की जिद करिएगा, न तो अपने ड्रेस की जिद करिएगा, न खिलौने की जिद करिएगा, न साइकिल की जिद करिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा अमूल्य कौन है पता है? आपके माता पिता है, और आपके लिए वो ड्यूटी जल्दी निकलते हैं, हर चीज में जल्दबाजी में रहते हैं, उनको एक चीज की चिंता तो रहती है कि आप टाइम से स्कूल पहुंच जाएं, लेकिन उनको इस चीज की चिंता नहीं रहती कि उनकी भी जिंदगी हरदम टाइम से चलती रहे। इसीलिए आपको समय से स्कूल भेजने के बाद ऑफिस जाने में जल्दबाजी करते हैं, काम करने में जल्दबाजी करते हैं, सड़क पर जल्दबाजी करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं, और होता क्या है कि जब कोई रोड एक्सीडेंट का सड़क पर शिकार होता है तो किसी न किसी का पिता ही होता है जो घर से जल्दबाजी से निकला होता है और अपने घर के लिए निकला होता है, कोई नौकरी करने निकला होता है, कोई कमाने निकला होता है। तो हम अपने घर में इस चीज की शुरुआत करें कि कहीं हमारे पिता ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमारे भाई ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें ये बताने की जरूरत है कि रेड लाइट पर गाड़ी रुकनी चाहिए?
वो जानते हैं, हेलमेट लगाना चाहिए वो जानते हैं। मैं एक चीज जरूर कहता हूं, मैं कई बार कहता हूं, लाइसेंस एक बार नहीं है तो आप कानूनी रूप से गलत हैं, लेकिन अगर हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं और दुर्घटना हो गई तो वह जीवन के कानून में सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। जीवन तो कम से कम बचा रहना चाहिए। तो मेरी एक अपील है कि आप लोग शुरुआत जरूर ये करें, इतने सारे बच्चे हैं तो आप सब लोग संकल्प लेकर के जाएं आज कि आप सब अपने अपने घर के रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए और अपने घर से रोड सेफ्टी के रूल्स की शुरुआत करिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों से, देखिए है क्या कि हमारी आपकी जो मान्यता है, जैसे हमारे घर में हम जाते हैं तो लोग ये मानते हैं कि घर में सबसे ज्यादा रूल्स किसका फॉलो होता है, तो घर में रूल्स सबसे ज्यादा फॉलो होता है मम्मियों का। लेकिन मैं इसमें संशोधन करता हूँ, मैं नहीं कहता मैक्सिमम घर में मम्मियों का फॉलो होता है, लेकिन जब मम्मियों के बाद बच्चों का राज आता है तो सबसे ज्यादा रूल्स फॉलो होता है बच्चों का। हम कई बार सबकी बात टाल जाते हैं लेकिन अपने बच्चों की बात नहीं टाल पाते हैं। हमको पता है कि मैगी खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन अगर हमारी बच्ची ने चार बार जीत कर लिया तो हम सोचते चलो महीने में एक आध दिन तो खिलाया जा सकता है बच्चा है, जानने के बाद भी। तो मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत, समाज की सबसे बड़ी ताकत बच्चों को ही मानता हूँ। मैं एक चीज कहूँगा कि आप लोगों को जब इस बार बर्थडे हो एक काम करिएगा, आप लोग अपने माता पिता से कोई गिफ्ट मत मांगिएगा। पापा कार चलाते हैं तो उनसे इस चीज़ का संकल्प मांगिएगा कि आप सीट बेल्ट लगा करके ही बड़ी कंट्रोलिंग वे में गाड़ी चलाएंगे, और जब हेलमेट, अगर जब आप लोगों का बर्थडे हो मोटरसाइकिल चलाते हो तो गिफ्ट के रूप में आप लोग उनसे बोलिएगा पापा इस बार गिफ्ट के रूप में एक नया डार्क कलर का हेलमेट खरीद के लाइए और आप लगा के चलिए, ये आपका गिफ्ट है, ये श्योर करिए। जब आपकी मम्मी लोग एनिवर्सरी मनाएं तो एनिवर्सरी में भी रोड सेफ्टी के रूल्स को, सीट बेल्ट लगाने को, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, इस चीज को सातवें के साथ साथ आठवें शपथ के रूप में अपने पतियों से मनवाएं। और ये काम आरटीओ साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग नहीं कर सकता। ये काम हमने आप लोगों को शुरू में ही कहा था, इस जनपद ने, इस देश के भविष्य हैं, ये सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे शिक्षक गण कर सकते हैं, गुरुजन कर सकते हैं, ये हमारे विद्यालय कर सकते हैं, हमारे मीडिया के हमारे भाई कर सकते हैं। चूंकि अगर स्थिति एक अनार और 100 बीमार की है तो अब हमें जरूरत है कि 100 बीमार के साथ 100 अनार भी होने चाहिए। इस पहल को बढ़ाने की जरूरत है। मैंने कहा कि आप फिर कभी, मैं नेक्स्ट कार्यशाला करूंगा तो आप लोगों की सारी जिज्ञासा रोड सेफ्टी पे मैं शांत करूंगा, जितने आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा पूछेगा। लेकिन मेरी पहल सिर्फ ये है कि अगर आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो 80-85% दुर्घटनाएं जो सिर्फ हमारी और आपके लापरवाही का परिणाम है वो रोकी जा सकती है। और मैं श्योर कर रहा हूं, ये इस चीज को जान लीजिए कि 90% लोग आज भी गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी में चाहे एक मिनट के लिए मोबाइल जरूर उठा लेते हैं। आप सोचिए कि एक छोटा सा मोबाइल मशीन है, ये क्या बन चुका है, ये स्मार्ट हो गया, हम इसको स्मार्टफोन कहते हैं। और हम क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हम लापरवाह और वो स्मार्ट। स्मार्ट तो हमें होना चाहिए था, एक मोबाइल को हमने स्मार्ट बना दिया जो हमारे जिंदगी को हैंग करके बैठा है, और हम जो स्मार्ट है जिसको भगवान ने इतना सुंदर बनाया है वो हैंग हो करके बैठा है खुद ही, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो जिनको थ्री इडियट कहा जाता था वो इडियट थे कि जीनियस थे, जीनियस थे ना। इसका मतलब नाम में कुछ नहीं रखा है, किस चीज में कुछ रखा है पता है, काम में। तो स्मार्ट हम तब होंगे जब स्मार्ट बच्चे जैसा बिहेवियर करेंगे, जब हमारे पेरेंट्स स्मार्ट पेरेंट्स जैसा बिहेवियर करेंगे। हमारे माता पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके कारण हम भूल जाते हैं, अपनी सुरक्षा भूल करके बाकी सब पे ध्यान देते हैं। बच्चे की स्कूल थोड़ा सा लेट हो गया, समय पहुंचा कि नहीं, कहाँ रह गई गाड़ी, कहाँ रह गई, परेशान होते हैं ना। उनको सिर्फ आपकी सुरक्षा के ध्यान है की चिंता है, तो आपको भी उनके सुरक्षा की चिंता की जरूरत है। और जब हर स्कूल, हर बच्चा, हर शिक्षक इस चीज को सोच लेगा, स्मार्टनेस सड़क सुरक्षा के नियमों को तोड़ने में नहीं है, स्मार्टनेस हेलमेट लगाने में है, स्मार्टनेस जल्दबाजी में दुर्घटना करने में लेट नहीं है, लेट होकर के सॉरी बोल देने में है, स्मार्टनेस पुलिस को चकमा देकर के भागने में नहीं है, स्मार्टनेस
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने में नहीं है, अंडर एज बच्चों के गाड़ी चलाने में स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो तो हम उसकी मदद करें, ये स्मार्टनेस है। जब हम इन बिंदुओं को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा, और जो हमारे देश के लिए चुनौती है हम उस चुनौती से आगे आ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि यहाँ गुरुजन भी हैं, शिक्षक भी हैं, और इस शिक्षा का मंदिर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे, शिक्षक, और आज हम आप सब लोग संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने घर के रोड सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और शायद मैं 2-4 महीने बाद ये सुनूं कि जनपद का एक ऐसा विद्यालय जहाँ के 100% स्टाफ, 100% टीचर, 100% व्हीकल्स, 100% बच्चों के पेरेंट्स रोड सेफ्टी के रूल को फॉलो करते हैं, 100% हेलमेट एंड 100% सीट बेल्ट। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड का विषय होगा, और आप लोगों के लिए कितना प्राउड का विषय होगा, इसलिए हम शुरुआत करें। मैं ये भरोसा करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग इन लोगों इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।